Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Keval Khimsaria. I am a qualified chartered accountant and certified mutual fund distributor. I am trading in Indian stock market since more than 5 years. So let's begin with today's discussion. Today we will be discussing about what happens when company declares extraordinary dividend. Now you would be asking, what is extraordinary dividend? Dividend which is more than 5% of the market price is called extraordinary dividend. So iska koi example hai? Yes, iska ek example hai. On 30th June 2020, ITC ने 10.15 रुपीस का डिविडेंड डिक्लेयर किया जब उसका मार्केट प्राइस अराउंड 198 रुपीस के आसपास चल रहा था. सो 10.15 रुपीस का डिविडेंड व्हेन मार्केट प्राइस वाज 198 रुपीस. सो अगर हम ये देखें, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 5.13% का डिविडेंड. सो यस, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिविडेंड की कैटेगरी में आता है. इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. ये डिविडेंड कंपनी ऑन 6th जुलाई 2020 पे करेगी. उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, बहुत रिटेल ट्रेडर्स इसको समझते नहीं है और उन्हें लगता है कि डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो प्राइस डिक्रीज होगा, तो वो फ्यूचर्स या ऑप्शन में ट्रेड लेते हैं, वो फ्यूचर्स को शॉर्ट कर देते हैं. सो पहले समझना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में होगा क्या. सो हम समझ लेते हैं कि इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में होता क्या है, फ्यूचर्स प्राइस पे क्या इफेक्ट आता है. तो इन दैट केस जो फ्यूचर का रेफरेंस रेट रहता है उसमें से फुल वैल्यू ऑफ डिविडेंड माइनस हो जाता है. एंड ऑप्शंस में क्या होता है, जो स्ट्राइक प्राइस रहता है उसमें फुल वैल्यू ऑफ डिविडेंड माइनस हो जाता है. अभी इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है. एग्जाम्पल ये है कि ये आज के दिन ऑन 3rd जुलाई 2020 यू बॉट ITC इन कैश, लॉन्ग फ्यूचर्स मींस फ्यूचर्स बाय किया एंड बॉट कॉल ऑप्शन. सो आज का क्या रेट था, ये अज्यूम कर लो कि ITC का रेट वाज समवेयर अराउंड 198 जो हमने तभी लिया था जब ITC ने उसका डिविडेंड डिक्लेयर किया. तब फ्यूचर चल रहा था 199 रुपीस और ITC का 200 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन का रेट चल रहा था 7 रुपीस. सो ये हमने ड्यूरिंग द डे ये ट्रांजैक्शन किए तीनों अलग अलग सेगमेंट में. तो वो क्या हुआ, अभी क्लोजिंग प्राइस भी हम चेक कर लेते हैं इन दिस एग्जांपल कि क्या क्लोजिंग था. तो क्लोजिंग अगर कैश का बात करेंगे तो 198 का 199 हो गया, 1 रुपीस का नोशनल प्रॉफिट हुआ. फ्यूचर्स में क्या हुआ, 199 से 200 रुपीस चला गया फ्यूचर, क्योंकि 1 रुपया कैश में भी बढ़ा तो फ्यूचर्स में भी उतना बढ़ा. तो मुझे M2M 3200 का प्रॉफिट हुआ. कैसे, 1 रुपीस का गेन इंटू 3200 का लॉट साइज. एंड ऑप्शंस में क्या हुआ, ऑप्शंस में भी 7 रुपीस से 8 रुपीस प्रीमियम चला गया. Now this is imaginary figure, actual figures may be different, but for simplicity I have taken this example. अब ex dividend date that is on 6th of July dividend pay करेगा ITC, तो उस दिन क्या होगा? In three of the circumstances, पहले cash का बात करते हैं. Cash में let's say यही price पे open होता है ITC, कुछ भी gain नहीं, तो 199 माइनस जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ अप्रोक्सीमेटली ये प्राइस आ जाएगा ITC में. सो व्हाट वुड बी इफेक्ट, नोशनल लॉस इन कैश मार्केट 199 से 188.15 दैट इज 10.1 रुपीस का नोशनल लॉस इन कैश मार्केट, और सामने उतना ही डिविडेंड बैंक में रिसीव हो जाएगा. सो इट इज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन. अभी फ्यूचर्स में क्या होगा, फ्यूचर्स में हमने देखा था रेफरेंस रेट माइनस फुल वैल्यू ऑफ डिविडेंड. अभी रेफरेंस रेट क्या है, रेफरेंस रेट इज प्रीवियस क्लोजिंग रेट. सो 200 माइनस जितना डिविडेंड वैल्यू है दैट इज 200 माइनस 10.15. सो नाउ 189 ये हमारा फ्यूचर्स का रेट आ गया. अभी इसमें डिविडेंड डिस्काउंट हो गया है, ठीक है. तो अगर यही रेट पे फ्यूचर्स क्लोज हुआ तो मुझे एम टू एम प्रॉफिट या लॉस कुछ नहीं आएगा. सो फ्यूचर्स का वैल्यू 200 से 189.85 हो गया, फिर भी मुझे कोई भी एमटीएम लॉस नहीं आया.
अगर ये नॉर्मल सिनेरियो होता तो मैंने 200 पे फ्यूचर्स लॉन्ग किया था और उसका अगर वैल्यू 189.85 हो तो मुझे 10.15 × 3200 दैट इज 32,480 का M2M लॉस आ जाता। बट इन दिस सिनेरियो देयर इज नो लॉस क्योंकि रेफरेंस रेट से डिविडेंड माइनस हो गया है। और ऑप्शंस में क्या हुआ, ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो रेट 8 का 8 ही रहा, बट नाउ स्ट्राइक प्राइस जो पहले 200 का कॉल था अभी वो 189.85 का कॉल हो गया। सो स्ट्राइक प्राइस हैज बीन चेंज्ड। कैसे, स्ट्राइक प्राइस माइनस फुल वैल्यू ऑफ डिविडेंड, जो 200 का स्ट्राइक प्राइस था माइनस 10.15, सो नाउ न्यू स्ट्राइक प्राइस विल बी 189.85। सो इन दिस सिचुएशन स्ट्राइक प्राइस चेंज नो इफेक्ट ऑन प्रीमियम। नाउ हम थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते कि क्या होगा इन कमिंग डेज। अभी जो आईटीसी का 210 का स्ट्राइक प्राइस है, नाउ इट विल बिकम 199.85 स्ट्राइक प्राइस। उसका प्रीमियम एज इट इज रहेगा ऑन नेक्स्ट डिविडेंड डे, दैट इज ऑन 6th July। 215 का स्ट्राइक प्राइस नाउ विल बिकम 204.85 का स्ट्राइक प्राइस। 200 का स्ट्राइक प्राइस विल बिकम 189.85 का स्ट्राइक प्राइस। अब आप बोलोगे ये आपने बताया इसका कोई रिटर्न प्रूफ है? सो यस, दिस इज बीएससी सर्कुलर एज ऑन 30th June, जब भी आईटीसी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 10.15 रुपीस पर शेयर का, तब का ये सर्कुलर है। अगर चाहिए तो मैं उसका सर्कुलर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इन दिस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट क्या इफेक्ट होता है वो भी आपको एनएससी का वेबसाइट से मिल जाएगा। एडजस्टमेंट्स कभी होता है इन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, जब बोनस राइट्स, डीमर्जर, अमालगमेशन स्प्लिट, कंसोलिडेशन, हाइव ऑफ वारंट्स और एसपीएनजो, और इधर देयर इज वन मोर, कैश बेनिफिट डिक्लेयर्ड बाय इशूअर ऑफ कैपिटल इन डिविडेंड फॉर्म। तो डिविडेंड में क्या इफेक्ट होता है, अ डिविडेंड व्हिच इज बिलो 5% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक वुड बी डीम्ड टू बी ऑर्डिनरी एंड नो एडजस्टमेंट इन द स्ट्राइक प्राइस। सो अगर 5% से कम रहेगा डिविडेंड, सो देयर वुड बी देयर वोंट बी एनी चेंज इन स्ट्राइक प्राइस इन ऑप्शंस। बट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड व्हिच आर अबव 5% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी, स्ट्राइक प्राइस वुड बी एडजस्टेड। सो अपने केस में इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड, सो स्ट्राइक प्राइस में चेंजेस हुए। सो आई होप आपको समझा होगा। सो इफ यू आर इंडल्जिंग इन आईटीसी ट्रेड जस्ट फॉर चेंज इन रेट ड्यू टू डिविडेंड, देन यू मस्ट टेक दिस इनटू अकाउंट। अगर आपको कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज हो सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑन बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स।